तो जो आपका नया टॉपिक है ये फोल्ड्स है, जिसे हम वलय कहते हैं, और इन्हीं से वलित पर्वत का निर्माण होता है जिनके बारे में बात किया था। ठीक है, चलिए तो समझते हैं फोल्ड्स क्या होते हैं। बेसिकली फोल्ड्स क्या हैं? वेव लाइक बेंड्स हैं। कैसे बेंड्स हैं? वेव लाइक, लहर नुमा वलन जो होते हैं, लहर नुमा आकृति में जब चट्टाने पाई जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फोल्ड्स कहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फोल्ड्स हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो आपकी जो लेयर्स हैं उन लेयर्स में आप देखिए क्या है, बेंड्स हैं, लहर की तरह बेंड्स हैं। तो ये जब चट्टानों में लहर नुमा आकृति से बेंड्स बन जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम फोल्ड्स कहते हैं। ये जो फोल्ड्स होते हैं इनके बेसिकली इनका इनका निर्माण होने का कारण क्या होता है कि जब चट्टानों में दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, चट्टानों में क्या पड़ता है, फोर्स पड़ता है दोनों तरफ से, तो जो बीच का जो हिस्सा है उसमें क्या बन जाते हैं? फोल्ड्स बन जाते हैं। यानी ये फोर्स कौन से, किस फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स के कारण जब चट्टानों में कैसी आकृति बन जाए, लहर नुमा आकृति बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोल्ड्स कहते हैं। इन फोल्ड्स का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसे क्या कहते हैं? एंटीक्लाइन कहते हैं। और देखिए जो निचला हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं? सिंक्लाइन कहते हैं। अपनीति और अभिनीति, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। अब हम समझते हैं कि फोल्ड्स के पार्ट्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है लिंब। लिंब क्या होता है? आपका आर्म ऑफ द फोल्ड इज कॉल्ड लिंब, यानी वलन वले की भुजा को हम क्या कहते हैं? लिंब कहते हैं। तो देखिए ये एक फोल्ड है, ये पूरा एक फोल्ड है, तो इसकी ये एक भुजा है और कितनी भुजा है? ये दूसरी भुजा है। यानी हर एक फोल्ड की कितनी भुजा होती है? दो भुजा। हर एक फोल्ड्स के दो आर्म होते हैं, तो जिसका एक आर्म है उसे हम क्या कहते हैं? लिंब कहते हैं। अब ये जो फोल्ड है एक आर्म और दूसरे आर्म को अलग कौन करता है? एक्सिस करता है अलग, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस करते हैं। तो ये अक्ष के सहारे जो फोल्ड होता है वो कितने पार्ट में बढ़ता है? दो पार्ट में, दो लिंब्स में डिवाइड होता है। अब ये जो आपका एक्सिस है, अब अगर इसे थ्री डायमेंशनल सरफेस पे देखेंगे, ठीक है, तो देखिए एक्सिस का है, ये थ्री डायमेंशनल सरफेस है इसकी, तो जो एक्सिस की थ्री डायमेंशनल सरफेस है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सियल प्लेन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सियल प्लेन। तो आपकी जैसे मैंने फॉल्ट लाइन और फॉल्ट प्लेन बताया था आप लोगों को, वैसे ही ये क्या है? एक्सिस और एक्सियल प्लेन। तो आपकी एक्सिस क्या है? टू डायमेंशनल लाइन है, जो रेखा आपको ऊपर दिख, जो रेखा खींचे तो आप फोल्ड कितने पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे? दो पार्ट में, तो वो क्या हुआ? एक्सिस हुआ। और जो वो पूरा सरफेस है थ्री डायमेंशनल, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? एक्सियल प्लेन कहेंगे, जो पूरे फोल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता हो। उसके बाद होता है आपका बेडिंग प्लेन या बेड। बेडिंग प्लेन या बेड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कभी देखा हो, अगर आपने कभी कभी घर बनते हुए देखा हो तो घर की नींव खोदी जाती है, तो जब घर की नींव खोदते हैं तो आपने देखा होगा कि जमीन के अंदर आपको चट्टानों जो होती है उनकी लेयर्स उसमें मिलती है, ठीक है, तो जो एक पूरी लेयर है आपको दिखता होगा वो कलर में सब में डिफरेंस होता है, तो जब एक लेयर जो होती है वो एक ज्योग्राफिकल इवेंट में जो है या नेचुरल एनवायरनमेंट में एक सिंगल इवेंट में बनती है, जैसे एक बड़ी फ्लड आया तो एक मोटी मिट्टी की लेयर जो है वो जम गई, यानी क्या बन गया? एक बेड बन गया या एक बेडिंग प्लेन बन गया। तो जब एक सिंगल जो नेचुरल इवेंट है या नेचुरल एनवायरनमेंट में जो सेडिमेंटरी रॉक की एक यूनिट पूरी तैयार होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बेड कहते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो उसमें कितने बेड है? तीन बेड है, एक बेड ये हुआ, उसके नीचे दूसरा और उसके नीचे तीसरा, तो ये हो गया आपका बेडिंग प्लेन्स या बेड। अब आप समझिए डिप। डिप बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिप को समझने के लिए देखिए हमने क्या किया कि ये आपका एक पूरा फोल्ड था, इस फोल्ड में पानी भर दिया, मान लीजिए कि ये तालाब है या झील है, तो आपका ये जो बेसिकली एंगल है किसके बीच में? हॉरिजेंटल लाइन के बीच में, जो कि पानी को दिखा रही है। जब आप पानी भर देंगे तो पानी की ऊपरी सतह हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी? हॉरिजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हॉरिजेंटल लाइन के बीच में और ये जो बेडिंग प्लेन है इसके बीच में, या जो बेडिंग प्लेट है ये, इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या कहलाएगा? डिप कहलाएगा। तो अगर आप किसी किसी फोल्ड के सामने खड़े हैं तो हॉरिजेंटल लाइन और वो जो फोल्ड की ढाल है उसके बीच का जो एंगल है वही क्या कहलाएगा? डिप कहलाएगा। दूसरा होता है आपका स्ट्राइक या स्ट्राइक लाइन। तो स्ट्राइक लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करती है बेडिंग प्लेन विद हॉरिजेंटल प्लेन। तो आपका ये क्या है? ये हॉरिजेंटल प्लेन है और आपका ये क्या है? बेडिंग प्लेन है। इसके बीच में जो लाइन है वही क्या है? आपकी स्ट्राइक है। तो जो स्ट्राइक होती है वो हमेशा क्या होती है? कंपस डायरेक्शन होती है। स्ट्राइक हमेशा क्या होती है? कंपस डायरेक्शन होती है। तो जैसे आपका मान लीजिए कि आपका अरावली पर्वत है, तो उनकी जो स्ट्राइक डायरेक्शन है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। तो हम बेसिकली जो स्ट्राइक डायरेक्शन निकालते हैं उसे हम कंपास डायरेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि वो फोल्ड के डायरेक्शन को दिखाती है विथ रेफरेंस टू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। मैं बाद में जब आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्शंस, तो मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्शंस का नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है।
तो आपकी जो स्ट्राइक डायरेक्शन है वो क्या होती है, कंपास डायरेक्शन होती है, और वो किसको रिप्रेजेंट करती है, बेडिंग प्लेन जो है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो उसका इंटरसेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक कहते हैं, और इसे कंपास डायरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब एक होता है प्लंज हम कहते हैं, ठीक है, या उसको हम अक्सर प्लंज फोल्ड भी कहते हैं। आमतौर पे ये जो आपका एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होता है, एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होता है, पैरेलल होता है। लेकिन कई केस में क्या होता है कि जो आपका एक्सिस है और जो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है, यानी जो भी आपका फोल्ड है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच नहीं कर रहा है, बल्कि वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। तो जो ये एंगल होता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, प्लंज कहते हैं। तो अगर फोल्ड आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अलाइंड है तो उसका प्लंज क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन आपका जो फोल्ड है अगर वो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लंज कहेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फोल्ड्स। हमारे जो फोल्ड्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, और बेसिकली जब संपीड़न पड़ता है तो फोल्ड का फॉर्मेशन होता है। संपीड़न जैसे जैसे बढ़ता है, यानी आपकी जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो जैसे जैसे बढ़ती हैं, वैसे वैसे फोल्ड का जो आकार है वो क्या होने लगता है, बदलने लगता है। अब आकार किस तरीके से बदलता है ये समझिएगा, उसी पर डिपेंड करता है कि किस तरीके के जो फोल्ड्स हैं उनका निर्माण होगा। सबसे पहला जो आपका फोल्ड है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड मतलब बोथ द लिम्ब्स इंक्लाइन यूनिफॉर्मली। देखिए यहाँ पे जो ये भुजा है और ये भुजा है दोनों एक ही एंगल पे मुड़ी हुई है, दोनों का एंगल क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ऐसे फोल्ड जिनमें दोनों जो लिम्ब्स हैं उनका एंगल ऑलमोस्ट सेम हो, ऐसे फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड्स कहते हैं। अब देखिए आमतौर पे होता क्या है कि जो कंप्रेसिव फोर्स पड़ रहा है, जो संपीड़न बल पड़ रहा है, वो बल एक्चुअली दोनों तरफ से नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा मूव कर रहा है, दूसरा जो है हो सकता है वो स्थिर हो। तो अगर एक हिस्सा मूव कर रहा है तो जो बल पड़ेगा वो हमेशा किधर से पड़ेगा, एक हिस्से से पड़ेगा। अब जब बल एक हिस्से से पड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में देखिए कि जो बल है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, एक्सिस वाली डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन से बल आ रहा है। जब इस डायरेक्शन से बल आ रहा है तो होगा क्या कि ये जो फोल्ड है वो आने वाले समय में क्या होगा, और बेंट होगा, यानी ये वाली जो भुजा है उस पर क्या पड़ रहा है, बल पड़ रहा है। जब इस भुजा पे बल पड़ेगा तो जो फोल्ड है वो होगा क्या कि आने वाले समय में इसका जो एक हिस्सा है वो और आगे बढ़ जाएगा, और जो इसकी जो सिमेट्री है वो गड़बड़ा जाएगी। अब एक का जो एंगल है वो दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, तो कौन सा फोल्ड बनेगा, एसिमेट्रिकल फोल्ड बनेगा, यानी व्हेन वन लिम्ब इज स्टीपर देन अनदर इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल फोल्ड। तो जब जो कंप्रेसिव फोर्स है वो बढ़ेगी तो जो फोल्ड का एक लिम्ब होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ये फोल्ड है और बल इस तरफ से पड़ रहा है, ठीक है, पहले प्लेन था उधर से बल पड़ा, ये सिमेट्रिकल फोल्ड हो गया, और उधर से बल पड़ेगा तो देखिए फोल्ड हमेशा कैसे होगा, इस तरफ से होगा, ठीक है। अब जो पहले दोनों का एंगल सेम था, अब वो एंगल क्या हो गया, बिगड़ गया, इसका एंगल ज्यादा हो गया और दूसरे का एंगल क्या हो गया, कम हो गया, तो फोल्ड कैसे बना, एसिमेट्रिकल फोल्ड बना। फर्दर जब दबाव और बढ़ेगा तो क्या बनेगा, आपका मोनोक्लिनल फोल्ड बनेगा। मोनोक्लिनल फोल्ड में क्या होगा, जब दबाव इस तरफ से आ रहा है तो ये वाला हिस्सा और धक्का देगा और इसका जो दूसरी भुजा है ये ऑलमोस्ट जब 90 डिग्री पे आ जाएगी, यानी जब फोल्ड की एक आर्म 90 डिग्री की पोजीशन में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोक्लिनल फोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो आर्म की एक पोजीशन कैसे आ जाएगी, 90 डिग्री में आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोक्लिनल फोल्ड कहलाएगा। अब अगर आपका जो फोल्ड है वो और जो फोर्स है वो और पड़े और उसके बाद क्या हो कि एक जो फोल्ड की जो लिम्ब है वो क्या हो जाए, दूसरे लिम्ब के ऊपर आ जाए, तो यानी जब एक फोल्ड के लिम्ब इतनी थ्रस्टेड हो जाए कि वो दूसरे लिम्ब के ऊपर आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवरटर्न फोल्ड कहते हैं। यानी जो एंगल है अब वो क्या होगा, 90 डिग्री से भी ज्यादा कम हो जाएगा, और अब ये जो ऊपर वाली लिम्ब है इसे इतना धक्का दे दिया कि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से भी क्या हो गया, बढ़ गया, तो अब ये क्या कहलाएगा, ओवरटर्न फोल्ड कहलाएगा। उसके बाद होता है हमारा रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होता है कि जब बल इतना ज्यादा बढ़ जाए कि फाइनली जो है आपका जो फोल्ड है वो जो दो है वो दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, एक दूसरे से पैरेलल हो जाए और हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो अब फोल्ड अगर आपका पैरेलल और हॉरिजॉन्टल हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दोनों जो आपके लिम्ब हैं ये क्या हो गए, एक दूसरे से भुजाएं पैरेलल हो गई, और साथ में देखिए ये क्या हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, जो आप एक्सेस आप देख रहे हैं इसका, ये क्या हो गया, आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो जब दोनों फोल्ड पैरेलल हो जाए एज वेल एज हॉरिजॉन्टल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड। क्या कहा जाता है, रिकम्बेंट। याद रखिएगा
एसिमेट्रिकल फोल्ड जो होते हैं वो हमेशा ज्यादा पाए जाते हैं, बाकी तरह के जो फोल्ड हैं उनकी संख्या क्या होती है बहुत ज्यादा कम होती है, और रिकमेंड फोल्ड तो बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। अब आपका होता है एक नेपे। नेपी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि फर्दर ये जो बल है ये और पड़ा, तो अब क्या होता है, अब मूवमेंट नहीं हो सकता। अब होगा क्या कि ये जो आपकी फॉल्ट लाइन है, ये जो आपका एक्सिस है, इसके सहारे जो ये ऊपर वाला लिम्ब है ये टूट जाएगा और टूट के आगे चला जाएगा, और दूसरा जो लिम्ब है वो यहीं छूट जाएगा। यानी जब एक भुजा टूट के बहुत दूर चली जाए और दूसरी अपनी जगह पे ही रह जाए, तो ऐसे फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, नेपे कहते हैं। तो ऐसे फोल्ड्स को क्या जाता है, नेपे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो एक लिम्ब है वो अपनी ओरिजिनल जगह पे रहती है जबकि दूसरी लिम्ब टूट के बहुत आगे चली जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, नेपे कहते हैं। एक और फोल्ड होता है जिसे हम कहते हैं आइसोक्लिनल फोल्ड्स। आइसोक्लिनल फोल्ड क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो रिकम्बेंट फोल्ड है उसमें जो आपका फोल्ड है यानी जो लिम्ब्स हैं वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और साथ में क्या है, हॉरिजेंटल हैं। लेकिन अगर ये दोनों जो फोल्ड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं और वर्टिकल हो जाएं, देखिए यहाँ पे जो फोल्ड हैं ये एक दूसरे की लिम्ब, देखिए दो लिम्ब है यहाँ पे, दो लिम्ब है ये, दो लिम्ब है ये, दोनों लिम्ब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, बीच में ये एक्सिस है आपका, तो ये दोनों फोल्ड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और साथ में क्या है, वर्टिकल है, हॉरिजेंटल नहीं है, क्या है, वर्टिकल है। तो जब फोल्ड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और वर्टिकल होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोक्लिनल फोल्ड्स कहते हैं। यानी आइसोक्लिनल फोल्ड्स क्या है, जब दोनों लिम्ब्स एक दूसरे के पैरेलल हों और वर्टिकल हैं। आइसोक्लिनल फोल्ड्स सिर्फ तब बनेंगे जब कंप्रेसिव फोर्स दोनों तरफ से पड़ रहा हो और बिल्कुल बराबरी में पड़ रहा हो। तो जब दोनों तरफ से बराबर फोर्स पड़ेगा तो आपके आइसोक्लिनल फोल्ड्स जो है उनका फॉर्मेशन होगा। तो आइसोक्लिनल फोल्ड और आपका जो रिकम्बेंट फोल्ड है उसमें अंतर क्या है, आइसोक्लिनल और रिकम्बेंट दोनों ही क्या है, इसमें लिम्ब्स एक दूसरे के पैरेलल होती है। रिकम्बेंट फोल्ड में जो लिम्ब्स होंगी वो कैसी होंगी, हॉरिजेंटल होंगी, जबकि आइसोक्लिनल फोल्ड में जो लिम्ब्स होंगी वो कैसी होंगी, वर्टिकल होंगी। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो बेसिकली फोल्ड्स हैं।